अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड गुड. ओके, लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर साइंस 2 क्लास. टुडेज टॉपिक इज़ वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. हमारा कंप्यूटर काम कैसे करता है, कैसे वर्क करता है, उसके लिए आज हम पेज करेंगे 27. 27 पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, उसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, इन द फॉलोइंग एक्टिविटी पुट आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट एंड पी फॉर प्रोसेसिंग. इनपुट के लिए हम आई यूज़ करेंगे, आउटपुट के लिए ओ यूज़ करेंगे और प्रोसेसिंग के लिए पी यूज़ करेंगे. हमने बनाना है मेकिंग जूस. अब जूस बनाने के लिए हमारे पास पहले इनपुट में क्या होगा? ऑरेंज. ऑरेंज क्या है? इनपुट. देन हमने ऑरेंज से जूस निकालना है जूसर मशीन से. तो पी से प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग हो रही है. जब जूस निकल के आ जाएगा तो वो क्या होगा? आउटपुट. आउटपुट के लिए ओ. नेक्स्ट है वॉशिंग क्लोथ. अब कपड़े धोने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डर्टी क्लोथ ही धोए जाते हैं. तो जो डर्टी क्लोथ है वो क्या होंगे? इनपुट. जब उसे वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो वो वॉश हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग हो रही है. ठीक है, जब वो धुल के आ जाएंगे तो क्लीन क्लोथ वो हमारे क्या होंगे? आउटपुट. ठीक है, देन उन्होंने कहा है टेकिंग फोटोग्राफ. अब फ़ोटो लेने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे पहले दो डॉग आ रहे हैं, तो डॉग हैं तो ये क्या होंगे? इनपुट. अब पिक ली जा रही है तो ये क्या है? प्रोसेसिंग. और जब पिक ले ली है तो वो क्या होगी? हमारी आउटपुट. ठीक है, देन आपके पास है टिक द करेक्ट आंसर. आफ्टर टेकिंग द इनपुट अ कंप्यूटर वर्क ऑन इट, दिस इज कॉल्ड. सब पता है, जब हम पहले इनपुट लेते हैं, इनपुट के बाद कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? इनपुट के बाद क्या आता है? प्रोसेसिंग. तो जब इनपुट लिया जा रहा है डाटा, तो उसके बाद प्रोसेसिंग की जा रही है और ये प्रोसेसिंग कहलाती है. देन डैश इज़ द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है जिससे हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करता है डाटा को? तो वो कौन सी है? CPU. CPU क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस. और माउस तो इनपुट है, स्पीकर आउटपुट है. ठीक है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस हमारी कौन सी है? CPU. अ पार्ट आर टू डैट डज अ पार्टिकुलर जॉब इज कॉल्ड अ डैश. और एक जॉब की, पार्टिकुलर जॉब की तरह काम करती है वो क्या कहलाती है? वो एक डिवाइस है, जो कंप्यूटर की एक डिवाइस है जो कि एक पार्टिकुलर जॉब की तरह काम करती है. माउस भी इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है. ठीक है, डैश डिवाइस हेल्प अस टू गिव इनपुट टू अ कंप्यूटर. कौन सी डिवाइस है जो इनपुट लेती है कंप्यूटर को देने के लिए? जैसे कि इनपुट ही डिवाइस इनपुट लेने के लिए मदद करती है. क्या आएगा? इनपुट डिवाइस हेल्प अस टू गिव इनपुट टू अ कंप्यूटर. डैश इज नॉट एन इनपुट डिवाइस. उन्होंने कहा है कि इन तीनों में से कौन सी डिवाइस है जो कि इनपुट नहीं है? जैसे कि स्कैनर आउटपुट. स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है. मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है. प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है. तो स्कैनर क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है. स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस. ठीक है, नेक्स्ट है पुट द वर्ड इन द करेक्ट कॉलम्स. आपने वर्ड्स को करेक्ट कॉलम में लिखना है. तो आप लोगों के पास ये काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इनपुट डिवाइस में इनमें से सेलेक्ट करके इनपुट में लिखने हैं, और प्रोसेसिंग डिवाइस में प्रोसेसिंग डिवाइस लिखने हैं, और आउटपुट डिवाइस में आउटपुट डिवाइस लिखनी है. ठीक है, जैसे कि पहले पेंसिल से शुरू करते हैं, तो पेंसिल क्या है? हमारी इनपुट डिवाइस. शार्पनर क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस. शार्पनर पेंसिल्स तो आउटपुट डिवाइस है. फिर है डर्टी क्लोथ. तो डर्टी क्लोथ क्या होंगे? इनपुट डिवाइस. और वॉशिंग मशीन, जब वो वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं तो वो क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस. और जब धुल के आ जाएंगे क्लीन क्लोथ तो वो क्या होंगे? आउटपुट डिवाइस. ठीक है, नेक्स्ट ऑरेंज. ऑरेंज क्या है? इनपुट डिवाइस. जूसर वॉश प्रोसेसिंग डिवाइस. और जूस आउटपुट डिवाइस. ब्रेड इनपुट डिवाइस. टोस्टर प्रोसेसिंग डिवाइस. आउटपुट में क्या आएगा? टोस्ट. नेक्स्ट है हेयर आर सम इनपुट पार्ट. कलर द कंप्यूटर पार्ट्स. आप लोगों के कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स दिए गए हैं. कलर द इनपुट डिवाइसेस ब्लू. जो इनपुट डिवाइस है उसमें आपने ब्लू कलर करना है, और आउटपुट में आपने ऑरेंज कलर करना है. ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास दिया गया है प्रिंटर. तो प्रिंटर क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है.
आप उसमें ऑरेंज कलर करेंगे, ठीक है। देन है सीडी, सीडी क्या है, इनपुट डिवाइस, इसमें आप लोग ब्लू कलर करेंगे। कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है, इसमें भी ब्लू कलर होगा। माउस भी इनपुट डिवाइस है, इसमें भी ब्लू कलर होगा। और माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में भी हम लोग बोलते हैं तो ये भी हम इनपुट कुछ दे सकते हैं, तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस होगा। देन है सीपीयू, सीपीयू आप लोगों को पता है आप लोगों का इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट भी डिवाइस है, ठीक है। लेकिन हम इसको आउटपुट में कलर करेंगे, ऑरेंज कलर करेंगे इसमें, ठीक है। देन है हेडफोन, हेडफोन क्या है, आप लोगों का आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। देन है स्पीकर, स्पीकर भी आप लोगों का आउटपुट डिवाइस है, इसमें भी ऑरेंज कलर किया जाएगा, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस यू सी इन योर कंप्यूटर लैब। आप लोग अपनी कंप्यूटर लैब में देखेंगे कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस और इनके नेम राइट कर देंगे। जैसे इनपुट डिवाइसेस में क्या है, जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को अपना डाटा इन करते हैं, देते हैं, तो वो कौन सी होती हैं, इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड के ज़रिए भी हम कुछ टाइप करके अपना डाटा कंप्यूटर को देते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस है। माउस, माउस के ज़रिए भी हम कुछ भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, एटम को सिलेक्ट किया जाता है, तो माउस भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी हमारा इनपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइस वो होती हैं जो हमें डाटा देती हैं या इन्फॉर्मेशन देती हैं, ठीक है। जैसे मॉनिटर भी हमें डाटा शो करता है तो ये आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, स्पीकर से हम कोई भी वॉइस सुनते हैं, कुछ भी हमें देता है तो ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्रिंटर हमें किसी भी चीज़ का प्रिंट देता है तो ये भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आप लोगों का होमवर्क है लर्न बुक पेज नंबर 27, 28 and 29। आप लोगों ने ये तीनों पेजेस बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।